चुनाव वायरल आ गया है। चुनाव के कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही होती है देश और देशवासियों के प्रति, वो कर्तव्य वो जवाबदेही पूरी करनी पड़ती है। हम एक छोटी पार्टी हैं, हालांकि हम केरला में एलडीएफ के साथ शासन में हैं, यार पार्टी पार्टनर विद एलडीएफ इन केरला इन गवर्नमेंट, लेकिन बिहार में एक छोटी पार्टी है। देश के विभिन्न भागों में पार्टी छोटी है जिसका नाम इंडियन नेशनल लीग है। वो पार्टी हमारी देश में लोकतंत्र बचाओ के प्रति कौन सी शक्तियां इसको समाप्त करने पर आमादा है, तुली हुई है। और 6 साल के शासनकाल में एनडीए ने देश के संविधान की मूलभूत स्वरूप को संशोधनों के माध्यम से बदला है। ऐसे संशोधन किए हैं जिससे भारत के संविधान की आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी हुई आजादी, भारतीय समाज के लोगों की आजादी छिन रही। हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन का काम देखें, एक राज्य है जो एपिडेमिक से लड़ने में नंबर एक का है, जो धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने, लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र के दुश्मनों को केला में न धसने देने में नंबर एक का स्टेट है। एक हमारे सामने उदाहरण के लिए स्टेट है, हम उसी 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 खतूत पर उसी डायरेक्शन पर चल के बिहार में दावा करेंगे, वर्कर बीच में जाएंगे, वोटर बीच जाएंगे। अभी वर्तमान में केरला के अलावा भी कुछ स्टेट में आपके थे, इस बार एक ही विधायक रहा। क्यों? क्योंकि एनडीए, क्योंकि केरला में हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ अलायंस में थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जब एनडीए में सहयोग हो गया केंद्र में, हमारी पॉलिसी है कि हम एनडीए उसके सहयोगियों के साथ कोई संबंध नहीं रख पाते। हमारा संबंध टूट गया था, जनता ने हमें सीटें दो दी थी, दोनों पहले जीती दोबारा एक जीती। हमारा दक्षिण में ज्यादा संगठन है, दक्षिण में हमें इग्नोर नहीं कर सकता कोई फॉर्मुलेशन, लेकिन हमें ने छोड़ा था। 5 विधायक हमारे थे, उसके बाद भी डीएमके को, क्योंकि उन्होंने केंद्र में एनडीए से समझौता कर लिया। हम के लिए भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम चयन करेंगे, देखेंगे कितने जिताऊ हो सकते हैं विनेबल कैंडिडेट्स, कहा हमारे समीकरण बन सकते हैं अथवा मतदाताओं के, वहां चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, जो शक्तियां और दल भारत में भारत के संविधान के प्रति खतरा बने हुए दलों या एनडीए के फॉर्मुलेशन के विरोध में खड़े हैं, एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, अनेक दल हैं, गठबंधन में हैं, गठबंधन के बाहर भी हो सकते हैं, उन सब से सहयोग हमारा होगा, सहयोग लेना भी और सहयोग देना भी। जो व्यवहारिक होगा हम उसके लिए खुले हुए मन से, खुले हुए दिल से बिहार में हिस्सा लेंगे। मित्रों, कितनी सीटें लड़ेंगे, हमारे पास रात तक 95 सीटों के लिए प्रस्ताव आया है, लेकिन मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, हमारा दल जल्दबाजी में नहीं है कि 95 सीटों की हम घोषणा कर दें, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चंद सीटें आज रात तक तय करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, वो आपको आज शाम तक मेल से मालूम हो जाएगा, लेकिन चुनाव से हम धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय करने वाले ईमानदार दलों और नेताओं को कोई कष्ट देना नहीं चाहते, उनके लिए कोई एम्बैरसिंग एलिमेंट नहीं होना चाहते। इट्स वेरी क्लियर, कैटेगरिकली आई वांट टू एक्सप्रेस, वी डोंट वांट टू बी एम्बैरसिंग एलिमेंट टू द सेकुलरिस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार स्टेट। इसलिए हम जल्दबाजी में सीटों का ऐलान इस समय नहीं कर रहे, हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ साथियों से। विरोध करने की आजादी, ऐसी आजादी छीनी जा रही है यूएपीए के अंतर्गत संशोधन करके, एनआईए एक्ट में संशोधन करके, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में संशोधन करके, तीनों
एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है 6 साल के अंदर अभूतपूर्व है, और इन अमेंडमेंट्स ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 महामहिम न्यायमूर्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और कहा देश के सामने खतरा है। लेकिन आज की जुडिशरी, आज का सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का आए तो उस पर कंटेम ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला के 1 रुपए की सजा दे दी जाती है। आप देख रहे हैं, मीडिया के बंधु सब बाखबर हैं, मुझे तो याद दिलाना है। ऐसी परिस्थितियों में ये चुनाव, बिहार असेंबली का ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको तय करने वाला है, क्योंकि तो वर्तमान सत्ता में बैठे लोग जिनकी भी टीम बन गए हैं एनडीए में, किसकी भी टीम बन गए हैं, जिनकी भी टीम बन गए हैं, आप समझते हैं उनके ये फांसीवादियों के एजेंट बन गए हैं, फांसीवादियों के एजेंट बन गए हैं। जिस पार्टी में ये हैं माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी ने तो सामाजिक न्याय का बीड़ा उठाया था, लेकिन हमने अपने आप को भी टीम बना दिया है फांसीवादी शक्तियों के नेतृत्व। ये संगठन, ये घटना, ये भयंकर संविधान के प्रति हमारे लिए खतरा है। तो इसीलिए इंडियन नेशनल लीग खासतौर पर इस संकल्प के साथ चल रही है, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ इंडिया। उन्हें जाके कीजिए ना जी, संविधान बचाओ तो देश बचेगा। ये देश नहीं बचेगा, इसी नारे के साथ, इसी संकल्प के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। और चूंकि चुनाव हो रहा है, हम एक राजनीतिक दल हैं, इसलिए चुनाव में भी हम हिस्सा लेंगे।